हेलो एवरीवन, DTFT की सीरीज में ये अगला क्वेश्चन है। इस बार हमें x ऑफ n फाइंड करना है। इसका मतलब x ऑफ n निकालना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इनवर्स DTFT यूज करना है, जहाँ पे x ऑफ e की पावर जी ओमेगा की वैल्यू 1 दे रखी है, वहाँ पे कुछ उसकी डोमेन दे रखी है, वो कब से कब तक है, जब मोड ऑफ ओमेगा क्या है, ओमेगा c से कम है। आगे की फिर क्या दिया है, और उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है जब ओमेगा सी और पाई के बीच में वो जाता है, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इनवर्स डीटीएफटी में, वो लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख के देखते हैं उसकी हमारी क्या क्या डिमांड है। तो एक्स ऑफ एन का जो फॉर्मूला होता था क्या, इतना होता था 1/2π इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड ऑफ 2π एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा, ठीक है। ये होता था, यहाँ पे एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा की क्या खासियत होती थी, ये पीरियोडिक होता था भाई साहब। कितना इसका पीरियोडिक होता था, पीरियड होता था 2π से, ठीक है। फिलहाल जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका ग्राफ बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये हो गया ओमेगा का इसका ग्राफ, और ये हो गया एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा। तो ये क्या कह रहा है, इसका जो जब तक मोड ऑफ ओमेगा ओमेगा सी से कम है, तब तक इसे इक्वल लगा लो, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा लो। जब तक इसकी वैल्यू इतनी रहेगी तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो पहले इस वाली चीज का मतलब समझो, अगर कुछ लोगों को इनइक्वालिटी का नहीं पता, तो इसका मतलब क्या, अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो इसका मतलब क्या, ओमेगा सी जो हमारा ओमेगा है वो क्या होना चाहिए, जो बाहर वाली चीज लिखी है उससे प्लस और माइनस उसके बीच में आएगा। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या, जब तक माइनस ओमेगा सी और ओमेगा सी के बीच में रहेगी, तब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करते हैं अगेन, मान लिया ये माइनस ओमेगा सी है और ये ओमेगा सी, तब इस दौरान इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, 1, ठीक। इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इस दौरान इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, 1, ठीक है, इसकी वैल्यू रहने वाली है 1। आगे क्या कह रहा, जब ओमेगा सी की वैल्यू पाई से बीच में जाएगी, तो इस वाले का भी मैं मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है, जब इसकी वैल्यू एक बार, जब मैं प्लस के लिए बात कर रहा हूँ, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा सी से पाई के बीच में, ओमेगा सी की वैल्यू पाई के बीच में, तब इसकी वैल्यू कितने रहने वाली है, 0 रहने वाली है, ठीक है। ये हो गया एक वाले पार्ट का मतलब, जब यही चीज ओमेगा, ये मोड ऑफ ओमेगा, इस चीज को मैं माइनस से रिप्लेस करूंगा, यानी माइनस ओमेगा सी से लेकर पाई के बीच में इसकी वैल्यू कितने रहने वाली है, 0 रहने वाली है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये है इसका ग्राफ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन हमें पता है एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, 2π से क्या होता है, पीरियोडिक होता है। अगर ये पीरियोडिक है, ठीक है, जो कि तुम्हें बस बुक में इतना ही मिलेगा, वो हिडन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि हमें पता होनी चाहिए। इसी तरह से क्या हो रहा होगा, ये इसी तरह का ग्राफ जो हो रहा होगा, वो हर 2π इंटरवल के साथ क्या हो रहा होगा, एक दूसरे को रिपीट कर रहा होगा। तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या है, अगर ये पहले यहाँ पे पहला 0 पे सेंटर्ड है, अगला कितने पे सेंटर्ड होना चाहिए, 2π पे, ठीक है। जहां पे इस वाले के इधर 2π ओमेगा सी था, इसका मतलब इसके इधर में भी कुछ ना कुछ होगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे ये देखने में छोटी लग रही, तो क्योंकि जगह कम है, और सेंटर से इसमें कुछ होगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह की जो पल्स होंगे वो क्या रहेंगे, रिपीट कर रहे होंगे दोनों तरफ। यहाँ पे ये हो जाएगा -2π, क्योंकि जो हमारा पीरियड है वो कितना होना चाहिए, 2π का होना चाहिए, 2π के बाद ये रिपीट कर रही होंगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, केवल हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखो, इंटीग्रेशन में बस एक इंटरवल की डिमांड है हमारी, ठीक है, जो कि 2π है। फिलहाल देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक 2π का कोई भी इंटरवल ले लो, ठीक है, यहाँ इस तरह से ये रिपीट कर रही होंगी। बस मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक्चुअलिटी में है क्या ये, ठीक है,
कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि बस एक इंटरवल है और काम खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये 2 पाई के बाद XOP के बाद जो XOP की पावर जी ओमेगा इसकी वैल्यू बन रही होगी, हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा होगा। यानी इस तरह की जो पल्स है रेक्टेंगुलर पल्स, वो 2 पाई के इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे की तरफ जो हमें निकालना है। ठीक है, X(n) हम क्या करते हैं, कोई भी एक आसान सा इंटरवल ले लेते हैं, कोई भी एक आसान सा इंटरवल ले लो 2 पाई का। तो मैं जब 2 पाई का एक इंटरवल लेता हूँ आसान सा, मुझे क्या दिखता है, मैं इसी वाले को ले लेता हूँ अपने वाले को। ये कितने का इंटरवल, 2 पाई का, तो इसी में बात कर लेता हूं मैं। तो मुझे जब मैं इसके लिए इंटीग्रेशन लिखने जाऊंगा तो बहुत ही ध्यान से लिखना है। देखो, X(n) 1/2π। तो पहला रीजन, जब माइनस पाई से लेके माइनस ओमेगा सी तक आता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी है, जब माइनस पाई से लेके माइनस ओमेगा सी तक आता हूं तो एक्स ऑफ ई की पावर, यहाँ जे ओमेगा कितना है यहाँ पे 0, तो ई की पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा प्लस। अगला, जब यहाँ माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी के बीच में आता हूं तब उसकी वैल्यू कितनी है 1, ओमेगा सी से ओमेगा सी के बीच में आता हूं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 e की पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा। आगे फिर जब ओमेगा सी से लेकर पाई तक जाता हूं, पूरे इंटरवल पे बात करनी है, कोई भी वैल्यू छोड़नी नहीं है। ठीक है, ये वैल्यूज हिडन होती है हमेशा, तुम्हें बस मिडिल पार्ट दिखेगा या बस ये बाकी के इंफॉर्मेशन नहीं है, जरूरी है जानना। ठीक है, कंसेप्ट ये है हमारा मकसद कि हम एक बार कंसेप्ट सीख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहला थर्ड जो इंटीग्रल है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बचेगा मिडिल वाला बचेगा केवल माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी ई की पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन से कोई फाइंड कर लेगा, या तो यू सब्स्टिट्यूशन से कर लो या डायरेक्ट फाइंड कर लो। फिलहाल तो मैंने डायरेक्ट बताया, जब ई की पावर में लीनियर टर्म होता है ओमेगा का या जो भी एक्स का जिसके रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे लीनियर है यानी ओमेगा है, ऐसे ना हो कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, ई की पावर जी ओमेगा एन का सेम ही आता है अपोन, उसके अपोन में क्या आता है, उसका जो पावर लिखी हुई है उसका डिफरेंशिएशन। तो इसका या तो आप डायरेक्ट कर ले वो कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने पूरे जो ये सिग्नल सिस्टम है इतनी बार मैं इस चीज को यूज कर चुका हूँ ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम लिखते हैं बिल्कुल, जो भी होता है ई के पावर का टर्म, बस डिनोमेटर में क्या आ जाता है, जो इसका डेरिवेटिव है। तो ई की पावर जी ओमेगा एन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ओमेगा का कितना हो जाएगा 1, यानी कितना बचेगा नीचे जे एन। ठीक है, और इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया, इसकी लिमिट कहां से कहां तक, ओमेगा सी से ओमेगा तक, तो बस इसमें लिमिट लगा दो और हमारा सॉल्व हो जाएगा। X(n) कितना आ गया, 2π, बाहर निकाल दो इसको jn को, तो इसका कोई काम नहीं है अंदर, और लिमिट लगाता हूं यहां पे ओमेगा सी e की पावर j ओमेगा सी एन माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी एन। ठीक है, अगर मैं 2j को इसके नीचे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, पाई एन इधर लिख लेता हूं, इसके नीचे 2j को ले आता हूं, देखते ही पता चल गया होगा जो मैं चीज लिखने वाला हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होती है सिग्नल सिस्टम में ये। तो ये किसका एक्सप्रेशन है, साइन का, हमें पता है, एक बार और मैं बता देता हूँ, अगर साइन थीटा है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, 2j थीटा जे कितना, ओमेगा सी एन। तो यानी ये इसका कितना आ जाएगा, X(n) कितना आ जाएगा, 1/πn मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा सी थीटा जाए कितना, ओमेगा सी इंटू एन। ठीक है, तो हमें जो इसका इनवर्स निकालना था वो आ चुका है, साइन ओमेगा सी एन अपॉन पाई एन। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, मैं एक पल्स के लिए लिख देता हूँ लेकिन हमेशा ध्यान रखना, XOP के पार जे ओमेगा क्या होता है, 2π से ये क्या करता क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा है
वन का या माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी, यहाँ लिखेंगे माइनस पाई से पाई, इसका आई डी एफ टी क्या होता है? साइन ओमेगा सी एन अपॉन पाई एन, या चीज इस चीज को उल्टा करके लिख लो हमें, अगर लिखनी है तो साइन ओमेगा सी एन अपॉन पाई एन सॉरी डी टी एफ टी कितना हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी इसका वन है, ठीक है। ये चीज कन्वोल्यूशन में यूज होगी, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। कन्वोल्यूशन और मॉडुलेशन में बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो साइन ओमेगा सी एन अपॉन पाई एन का डीएफटी क्या होने वाला है? ये एक रेक्टेंगुलर पर्स, ये एक रेक्टेंगुलर पर्स ही है, ठीक है। इसको वैसे लिखना, कैसे लिख सकते हो? ए रेक्ट, ए की वैल्यू वन है, इसका मैग्नीट्यूड ए रेक्ट, यहाँ पे आता था टी टी, यहाँ पे वेरिएबल किस में? ओमेगा में, तो ओमेगा में लिखेंगे अपॉन उसका इंटरवल। तो उसका इंटरवल कितना, उसकी जो विथ होती थी, किसकी विथ किसकी होती थी? इसकी, ठीक है, टू ओमेगा सी, यहां पे लिख लो। अगर लिखनी है तो, ठीक है, और रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखना है, तो ये कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा सी एन अपॉन पाई एन का जो वो होता है डीटीएफटी, वो कितना होता है? रेक्ट ओमेगा अपॉन टू पाई टू ओमेगा सी, ठीक है। दोनों मैंने लिख के बता दिया, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इसलिए बताता हूँ ताकि कुछ बुक्स में कैसे भी होके मिल सकता है, ठीक है, एक्सप्रेशन को वो किसी तरह से भी दे सकता है और दिक्कत ना हो, तो मैं इसलिए जितने भी पॉसिबल तरीके हैं मैं उसमें लिख के दिखाता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस फॉर्मूले को इंपोर्टेंट मार्क करके लिखना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ इसको, ठीक है, ये यूज होगा ही होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।